वडोदरा जिला के अनुसूचित जाति समाज के लोगों द्वारा उनके समाज के लिए अलग से अलायदा स्मशान की मांग करते हुए आज आवेदन पत्र लिया गया। वडोदरा जिला के अनुसूचित जाति के समाज के लोगों द्वारा गांव में स्मशान के लिए जमीन तथा अन्य सुविधा दी जाए वैसी मांग करते हुए आज जिला कलेक्टर में आवेदन पत्र लिया गया। जाहिर सी बात है कि हाल ही में वडोदरा जिला के पात्रा तालुका अमेठा गांव में भी यही मुद्दे को लेकर भारी हिंसक हंगामे की घटना प्रकाश में आई थी। ऐसे में वडोदरा जिला के तमाम तालुका गांव में भी अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए स्मशान की सुविधा नहीं होते हुए कई बार मृतक होने पर गांव के बाहरी विस्तार में स्मशान करने यानी कि अंतिम विधि करने की नौबत आन पड़ती है। अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय और स्मशान असुविधा के चलते उन्हें काफी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है, जिसकी ढेरों बार रजूआतें भी की गई है, बावजूद कोई भी हल नहीं मिला। जहां आज एक बार फिर वडोदरा जिला अनुसूचित जाति समाज के लोगों द्वारा गांव में स्मशान के लिए अलग से जमीन अलॉट करने के साथ उनके लिए मुक्ति धाम बनाया जाए वैसी मांग कर जिला कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र दिया था। हूँ अत्यारे कपरण तालुका में आयो छु, मारु नाम अंबालाल चौहान छे अने अत्यारे आ स्मशान जे प्रश्न छे एनी बाबते कहेवामां आवे छे कि भारतना संविधानमां एवुं कहेवामां आवे छे कि कलम 17 आभलचेट नाબૂદી કરવાની વાત થઈ છે। આજે 75 વર્ષ થયા છતાં પણ દલિત આદિવાસીઓ માટેની આભલચેટ એની સ્થિતિમાં રહે છે, એમને નથી સ્મશાન મળે, સ્મશાનમાં મળતું, જાહેર સ્મશાનમાં પણ એમને જવા દેતા નથી। કે સમાનતાની જે વાત કરી છે એ વાત ક્યાંય જોવા મળતી નથી અને ગામમાં બંધારણ પણ લાગુ પડતું નથી। એટલે આજે અમે આ વાત કરવા આવ્યા છીએ કે સ્મશાન અલગ સ્મશાનનું જે નિયમ કરવામાં આવે, એમની જે જમીન છે એમાં નિયમ કરે અને એમને સુવિધાપૂર્વક આવે, સૌથી સુંદર સ્મશાન બને અને લોકો એની અંદર બીજા જ્ઞાતિના લોકો આવે એવી અમારી માગણી છે। ચૌહાણ અંબાલાલ ડી